नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा कि अपन जिस टॉपिक पे बात चल रही थी, वो चल रही थी नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना। ठीक है, पिछली जो दो वीडियो हैं उसको आप देख लेना, जिस जिन बच्चों ने देखी नहीं है उसको देख लेना। ठीक है, कि उसमें किस तरीके से नंबर और डिजिट को निकाला जाता है, फिर उसके थ्रू अपन नंबर ऑफ डिजिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, तो कुछ बच्चों ने फोबिया बना के रखा हुआ है मैथ्स का डर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो, आप जब आप मेहनत नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को पढ़ोगे नहीं, तो उस चीज़ से डर तो लगेगा ही। ठीक है, आप मेहनत करो, आपको डेली आप मेहनत करोगे, जिस दिन आप 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करोगे, तो उस दिन आपके अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा। आपको किसी दूसरे किसी पर्सन से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद पढ़ो, खूब मेहनत करो, क्योंकि आपके पास यही गोल्डन चांस है और जो बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, और जब तक आपकी छुट्टी लगी हुई, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप अपने आप को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, अपनी स्किल्स इंक्रीज करो, है ना, बढ़ाओ। जितना नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, जो समझ में नहीं आया, उस चीज को पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो नंबर ऑफ डिजिट निकालना चल रहा था। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज पर अपन पहुंचेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट अपन कुछ नहीं पढ़ने वाले, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। तो अपन ने नंबर ऑफ डिजिट में क्या देखा था मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने ये देखा था 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट यूज हो रहे थे, 9 डिजिट देखने को मिल रहे थे। फिर अपन ने क्या देखा था, 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट यूज हो रहे थे, 189 डिजिट देखने को मिल रहे थे। फिर अपन ने क्या देखा था, 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ से देखा था 2889 डिजिट देखने को मिल रहे थे। फिर अपन ने क्या देखा था, 1 से लेके 9999 तक कितने डिजिट निकाले थे अपन ने, 38889 डिजिट देखने को मिल रहे थे। ये अपन ने देख लिया था, ये अपन को बस क्या ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों का यूज होगा क्वेश्चनों में। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा, मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6 और मैंने लिख दिया 137 डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला 137 डिजिट का मतलब ये है कि जो आपको नंबर मिलेगा, जो गिनती मिलेगी ना, वो 99 से कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो डिजिट है वो किससे कम है, 189 से कम है। मतलब जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 99 से कम मिलेगा नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे, बताइए ये कितने नंबर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितने नंबर देखने को मिल रहे हैं अपन को, 12 नंबर। तो नंबर तो कितने हैं, 12। मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें डिजिट कितने हैं, तो देखिए 9 तक तो सिंगल डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 डिजिट फिर एड हुए, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में 2 डिजिट है, तो ये 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिजिट कितने देखने को मिल रहे हैं, 15। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि नंबर अपन को हमेशा कम मिलेंगे, बट डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा। इसलिए 137 डिजिट का मतलब ये है कि जो नंबर मिलेगा ना, वो 1 से लेके 99 के बीच का होगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई होगी आपको। लेते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, बताइए 69 डिजिट ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें अपन को फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट 4 डिजिट। अपन को क्या निकालना है, लास्ट के 4 डिजिट अपन को निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। अब देखिए 1 से लेके ये एक पूरा कंप्लीट क्या है, ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है। ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने बोला इसमें नंबर कितना है, तो ये कंप्लीट एक नंबर होगा। मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें डिजिट कितने, तो डिजिट यहां पे कितने देखने को मिल रहे हैं, 5 डिजिट देखने को मिल रहे हैं। यदि मैं इसी को ऐसा लिखता 1 2 3 4 5,
तो ये क्या हो जाते, अलग अलग नंबर हो जाते, क्या हो जाते, अलग अलग नंबर हो जाते, ठीक है। लेकिन ये एक पूरा क्या कहलाएगा, कंप्लीट नंबर कहलाएगा। ऐसे ही ये टर्म्स दी हुई है 69 डिजिट तक, ये पूरे कंप्लीट क्या है, नंबर है। इसमें अपन से क्या पूछा है, लास्ट के 4 डिजिट बताइए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप बोलें कि 69 है, 69 से पहले क्या आएगा 68, तो लास्ट 4 डिजिट पूछे तो क्या होंगे 6869 होंगे। ये डिजिट है, डिजिट पूछे मैंने, ये क्या है, नंबर है। 69 क्या है, नंबर, और यहां पे क्या देख रखा अपन को, डिजिट। तो ये आंसर क्या होगा, गलत कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन ये जानते हैं 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर देखने को मिलते हैं। प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट मिलता है, तो डिजिट कितने हो जाते हैं, 9 डिजिट मिल जाते हैं। फिर अपन नंबर कहां से चालू होगा, 10 से, और कहां तक जाएगा नंबर, नंबर का पता नहीं अपन को, लेकिन अपन को ये पता है कि प्रत्येक नंबर में डिजिट कितने मिलेंगे अपन को, 2 डिजिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही तो निकालना है अपन को। यदि अपन को लास्ट नंबर पता चल गया तो वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब कुछ नहीं करना, डिजिट में से हमेशा डिजिट को माइनस करना है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 69 में से 9 को माइनस करेंगे, तो यहां पर जाएगा 60 डिजिट। और बच्चों ये देखिए आप, यहां पे 2 डिजिट का एक नंबर मिल रहा है, 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो बताइए मुझे 60 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, यहां पे 30 नंबर बन जाएंगे। कितने नंबर बन जाएंगे, 30, तो 30 नंबर यहां पे ले लेते हैं, 30 प्लस 9 कर देंगे कितना हो जाएगा, 39 नंबर। कहने का मतलब ये है कि लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 39, मतलब 39 से पहले क्या आ रहा होगा, 38, 38 से पहले क्या आएगा, 37, और उसने पूछा क्या है, लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट क्या कहलाएंगे, 3839 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट निकालने को बोले तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। लेते हैं और क्वेश्चनों को और देखते हैं अपन। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको पहले अपन अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपन से इजीली सोल्व होंगे, ठीक है। तो चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नया क्वेश्चन कुछ। यहाँ पे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 83, ठीक है, 1 से लेके मैंने लिखा 83। मैंने आपसे पूछा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, अब क्या निकालना है अपन को, लास्ट के 3 अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट के 3 अंक निकालने के लिए 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं, 1 डिजिट होता है, तो डिजिट कितने मिल जाते हैं अपन को, 9 डिजिट देखने को मिलते हैं। फिर 10 से अपन चालू करेंगे, अपन को नंबर अभी पता नहीं है, नंबर अपन को पता नहीं है, लेकिन डिजिट प्रत्येक नंबर में डिजिट कितना मिल रहा है, 2 डिजिट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 83 में से क्या करेंगे अपन, 9 माइनस कर देंगे, जब 83 में से 9 माइनस करेंगे तो यहां पे मिलेगा अपन को 74 डिजिट। अब देखिए 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 74 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 37, तो 37 नंबर आ गया, तो यहां पे ले लेंगे अपन 37 नंबर। अब क्या करेंगे, नंबर में नंबर ऐड करेंगे, जब इसमें नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 46 नंबर, मतलब लास्ट जो नंबर होगा वो क्या आ रहा होगा, 46 नंबर आ रहा होगा, इससे पहले क्या आएगा, 45 आएगा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 अंक अपन ले लेंगे, तो लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, 5, 4 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं और क्वेश्चन। चलिए लेते क्वेश्चन। मैंने लिखा 127 डिजिट लिखा, और लास्ट के निकालना अपन को 3 डिजिट अपन को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना अपन को, लास्ट 3 डिजिट अपन को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट निकालना है, जब लास्ट के 3 डिजिट निकालना है और इक्वेशन देके रखी पूरी, एक टर्म्स देके रखी 127 डिजिट तक, तो अपन क्या जानते हैं। अब देखें, सबसे पहले ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 189 डिजिट से कम है तो मतलब नंबर जो मिलेगा वो 1 से लेके कहां तक मिलेगा, 99 के बीच का मिलेगा। लेकिन जब डिजिट 189 से बड़ी होगी तब अपन लेंगे क्या, कि 1 से लेके 99 तक नंबर नहीं होगा, 99 से बड़ा नंबर होगा फिर, ठीक है। अभी तो 127 189 से कम है, तो अपन क्या लेंगे, 1 से लेके 9 तक कितने नंबर मिले, 9 नंबर मिले, प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट, तो कितनी मिल गई डिजिट, 9 डिजिट मिल गई। 10 से स्टार्ट करेंगे, नंबर अभी पता नहीं है अपन को,
और प्रत्येक नंबर में लेकिन डिजिट कितना मिल रही है, 2 डिजिट देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 127 में से, जब 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 118 डिजिट मिल जाएगा। अब 118 दो डिजिट से मिलता है एक नंबर, तो 118 डिजिट से कितना मिलेगा, 2 से भाग लगा देंगे, जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 59 डिजिट, 59 क्या मिल जाएगा अपन को, नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 59 नंबर। अब क्या करेंगे अपन, नंबर में नंबर ऐड करेंगे, जब नंबर में नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 68 क्या आ गया, नंबर 68 नंबर का मतलब ये है कि जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 68 नंबर हो रहा होगा। 68 सबसे लास्ट है तो उससे पहले क्या आएगा, 67 आएगा। और पूछा क्या उसने, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट पूछे तो क्या करेंगे अपन, देख लेंगे यहाँ पे, तो 7, 6 और 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट कितने आए, 6, 7 और 8 आए। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन लेते हैं। और अब मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन, लिख लीजिए 219 डिजिट तक। ठीक है, करिए इसको सोल्व। चलिए हो गया ये सोल्व। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को, अपन को क्या निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट निकालना है। आप किसी भी संख्या का लास्ट के 3 डिजिट 2 डिजिट 5 डिजिट ये फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, लेते हैं इस क्वेश्चन, क्या बोला हुआ, 1 से लेकर कहां तक गया, 219 तक गया। मतलब ये है कि जो डिजिट है अब किससे बड़ी हो गई, 189 डिजिट से क्या हो गई, बड़ी। जो नंबर होगा अब क्या होगा, 99 से नंबर बड़ा होगा। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन डायरेक्टली लेंगे 1 से लेके 99 तक कितने नंबर देखने को मिलते हैं अपन को, 189 डिजिट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो नंबर स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 100 से, और नंबर अपन को पता नहीं, लेकिन अपन को ये कंफर्म है कि जो नंबर होगा वो 99 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जो डिजिट है वो 189 से क्या है, बड़ी है। इसलिए अपन क्या करेंगे, 1 से लेके 99 तक ले लिया। अब नंबर अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को ये कंफर्म है कि प्रत्येक नंबर में डिजिट कितनी देखने को मिल रही है, 3 डिजिट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अपन को यहां पता है कितना है, 219 डिजिट है, 219 में से क्या करेंगे, 99 माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन को पता है कि 99 कितने मिले, नंबर कितने मिले, 99। ठीक है, और फिर अपन को यहाँ पे डिजिट कितनी मिल रही है, यहाँ पे मिल रही 189 डिजिट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब डिजिट में से हमेशा क्या करते हैं, अपन डिजिट को ही माइनस करते हैं, जब 219 में से 189 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 30 डिजिट अपन को देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे तीन डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 30 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, 30 डिजिट से 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। 10 नंबर लिख दिए, नंबर में नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 109 नंबर आ जाएंगे। 109 नंबर से मतलब ये है कि लास्ट जो नंबर मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, 109 नंबर मिल रहा होगा। 109 से छोटा क्या होगा, 108 होगा। और उसने पूछा क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 109। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 109 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी कि कैसे अपन किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए लेते हैं और क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा यहां पे 70 डिजिट। मैंने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 70 डिजिट लिखा। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा बताइए लास्ट 3 डिजिट बताइए, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं अपन, लास्ट के 3 डिजिट हो, लास्ट के 4 डिजिट हो, लास्ट के 5 डिजिट हो, कोई भी डिजिट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दे के रखा है, अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, अपन को पता है ये 189 से क्या है, कम है, 189 से कम है, तो अपन ये जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9। प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट मिलता है तो डिजिट कितने हो जाते हैं, 9 डिजिट मिल जाते हैं अपन को। फिर जो नंबर स्टार्ट होगा वो 10 से होगा, लेकिन नंबर अपन को पता नहीं है, लेकिन डिजिट कंफर्म है,
कि प्रत्येक नंबर में डिजिट कितने मिलेंगे अपन को, दो डिजिट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये अपन को कंफर्म है। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, 70 में से अपन क्या घटा देंगे, 9, जब इसमें 70 में से 9 घटाएंगे तो अपन को कितना मिलेगा, 61 डिजिट देखने को मिल जाएगा। जब 61 डिजिट देखने को मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, दो डिजिट से एक नंबर बन रहा है, या तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, दो का डिवाइड कर सकते हैं, जब दो का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 30 नंबर मिल जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए तो 3 6 बचा कितना है, एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर का मतलब है 1 डिजिट। जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, उसको लिख देंगे प्लस के फॉर्म में, और नंबर कितने मिले अपन को, 30, तो नंबर को तो अपन ने यहां पे लिख दिया 30 नंबर। अब देखिए 30 प्लस 9 कितना हो जाएंगे, 39 नंबर हो जाएंगे, प्लस क्या करेंगे अपन, ये 1 डिजिट को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो भी शेषफल बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, उसको 1 के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 1 डिजिट जो बचा उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो जो लास्ट नंबर है वो तो क्या है, 39 है, तो लिख दिया 39 से पहले क्या आ रहा होगा, 38 आ रहा होगा, ठीक है। अब इस 1 डिजिट को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं अपन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 39 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा, 49 में कितने डिजिट हैं देखने को, 2 डिजिट है, इसमें से अपन 1 डिजिट लेना है तो क्या लेंगे, स्टार्टिंग का ओनली 1 डिजिट ले लेंगे, 0 को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यदि 0 को ले लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर हो जाएगा, अपन को क्या चाहिए, ओनली 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के लिए अपन क्या करेंगे, 4 को ले लेंगे, 4 ले लिया, पूछा क्या था, लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, 394 हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 394 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राई करिए, 124 निकालिए, इसके लास्ट के 4 डिजिट, देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके कहां तक गया है, 124 डिजिट तक गया हुआ है, ठीक है, अपन को निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, 3 लास्ट के 3 डिजिट अपन को निकालनी है। तो कैसे करेंगे अपन, अपन ने सबसे पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि ये जो डिजिट है वो किससे कम है, 189 डिजिट से कम है, मतलब जो नंबर मिलेगा अपन को वो क्या मिल रहा होगा, 1 से लेके 99 के बीच का नंबर मिलेगा। तो देखते अपन 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर मिलते हैं, प्रत्येक नंबर में डिजिट कितना मिलता है, 1, तो नंबर डिजिट कितने मिल जाते हैं अपन को, 9 डिजिट देखने को मिलते हैं। फिर जो नंबर स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 10 से, ठीक है, अभी नंबर कंफर्म है नहीं, बट डिजिट का अपन देखते हैं, प्रत्येक नंबर में डिजिट कितनी मिलेगी अपन को, 2 डिजिट मिलेगी। अब क्या करेंगे, 124 में से क्या माइनस कर देंगे अपन, 9, जब 9 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 115 डिजिट देखने को मिलेगा। जब 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि 115 डिजिट से कितने नंबर मिलेंगे अपन को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 57 नंबर, और बचा कितना, 1 डिजिट बच रहा। देखिए आप जब इसमें भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा, तो रिमाइंडर अपन ने लिख दिया 1 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 57 नंबर लिख लिए, और नंबर में नंबर को 8 करेंगे, जब 57 में 9 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 66 नंबर मिलेगा, प्लस क्या लेंगे अपन, 1 डिजिट ले लेंगे ये वाला, तो अपन ने ले लिया 1 डिजिट ले लिया। अब देखिए लास्ट जो नंबर है वो कितना है, 66 नंबर है, मतलब इससे पहले क्या आएगा, 65 आएगा। अब देखते हैं इस 1 डिजिट का कैसे यूज करते हैं अपन, 1 डिजिट का यूज कैसे करते हैं, 66 के बाद क्या आएगा, 67, लेकिन इस पूरे कंप्लीट नंबर में डिजिट कितने हैं, 2, लेकिन अपन को लेना क्या है, सिंगल डिजिट, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला सिंगल डिजिट ले लेंगे और 7 को हटा देंगे। तो यहां पे लास्ट क्या निकालना था अपन को, 3 डिजिट, तो अपन देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं अपने पास, 666 देखने को मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, मैंने पूछा बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 1 से लेके 221 तक ले लेते हैं अपन, 221 डिजिट तक, और इसमें फाइंड अपन को करना है लास्ट के 4 डिजिट, क्या फाइंड करना अपन को, लास्ट के 4 डिजिट निकालिए, लास्ट के 4 डिजिट अपन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अपन।
तो लास्ट के फोर डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि 221, 221 किससे बड़ा है, 189 डिजिट से बड़ी डिजिट मिल रही है अपन को, तो अपन क्या बोलेंगे अब ये बोलेंगे कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, 99 से बड़ा नंबर मिलेगा। तो अपन जानते हैं 1 से लेके 99 तक कितने नंबर मिलते हैं अपन को, 99 नंबर मिलते हैं, और डिजिट कितने मिलते हैं अपन को, 189 डिजिट देखने को मिलते हैं। तो लिख दिया अपन ने, फिर जो नंबर स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 100 से होगा, और नंबर अभी अपन को पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि प्रत्येक नंबर में डिजिट कितने मिल रहा है अपन को, 3 डिजिट। तो क्या करेंगे, डिजिट में से अपन क्या करेंगे, डिजिट को माइनस करेंगे। तो डिजिट में से जब डिजिट को माइनस करेंगे, मतलब 221 में से 189 माइनस करेंगे, तो कितना मिल जाएगा अपन को, 32 डिजिट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, एक नंबर किससे, 3 डिजिट से। तो बताइए आप 32 डिजिट से कितने नंबर मिलेंगे, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये फिर आप इस इक्वेशन को ले भी सकते हैं, इसके फॉर्म में n निकल आएगा, ठीक है। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया, 30, 10 नंबर हो जाएगा, 3 से भाग लगाया और बचा कितना अपन का, 2 डिजिट बचे। कितने बचे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको अपन अलग से लिख लेंगे, शेषफल जो मिलेगा उसको अपन अलग से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर को नंबर की जगह लिखेंगे, 10 नंबर हो गया। अब देखिए 99 में 10 जोड़ेंगे तो कितना मिला अपन को, 109 नंबर मिला, प्लस क्या मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है अपन को, 2 डिजिट मिल रहा है देखने को, तो 2 डिजिट लिख देंगे। फिर क्या करेंगे अपन, अब जो लास्ट नंबर है वो कितना है, 109 से पहले क्या आ रहा होगा, 108 आ रहा होगा, ठीक है। अब इस 2 डिजिट का कैसे यूज करेंगे, अब देखिए 109 के बाद आता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 110 आता है, क्या आता है, 110, और 110 में से ये पूरा कंप्लीट नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 3, लेकिन अपन लेंगे कितने, ओनली 2 डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, ओनली 2 डिजिट, मतलब ये वाले डिजिट लेंगे, लास्ट का क्या कर देंगे अपन, 0 हटा देंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, अब ये बोल सकते हैं क्या निकालना था अपन को, लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट क्या क्या होंगे, 0911, तो क्या बोलेंगे अपन, 0911 क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, कि आपने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अपन ने देखा। और अभी तक अपन ने क्या देखा, किसी भी संख्या का लास्ट से 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट निकालने को बोले तो वो भी अपन इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई चीज़ों के साथ, ठीक है। जब तक आप इस वीडियो को देखें, जितना भी प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको एक दो बार वीडियो को देखें, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं।